जहां पर बॉक्स ऑफिस पे तूफान लाई है वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्टर वीरा। और नंदमुरी बालकृष्णा जी का फिल्म, दूसरी तरफ मेगास्टार चिरंजीवी का फिल्म। दोनों फिल्म के बीच में कौन सी फिल्म फर्स्टेस्ट 100 करोड़ क्लब पे लिखाई है अपने नाम, जानने के लिए सुसंता के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। बात करूं वाल्टर वीरा को लेकर, ये रहा तेलुगु का एक्शन कॉमेडी फिल्म जहां पर एक तरफ मेगास्टार चिरंजीवी, दूसरी तरफ द मस महाजा रवि तेजा को लीड रोल में नजर आई है। और बता दोस्तों, फिल्म को मिला है ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये फैमिली ऑडियंस वाला फिल्म है और जहाँ पर चिरू का रहा स्टाइलिश परफॉर्मेंस। और अगर फिल्म का कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर वाल्टर वीरा का बजट था लगभग 150 करोड़, ये फिल्म अपनी शुरुआती 2 डेज में तेलुगु स्टेट यानी कि अपनी होमलैंड पर 60 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन दिया है। और दूसरा एरिया की बात करूँ तो निजाम एरिया से 11 करोड़, कृष्णा एरिया से 2 करोड़ 30 लाख। दूसरी तरफ तेलुगु स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट की बात करें तो कर्नाटका और रेस्ट ऑफ इंडिया से 2 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन। और अगर इंडिया को छोड़कर ओवरसीज की बात करें तो वाल्टर वीरा फिल्म ओवरसीज से 6 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन लाई है। और अतः दोस्तों, जहां पर फिल्म पे चिरू को छोड़कर रवि तेजा का रहा एक दमदार अपीयरेंस। और अगर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो जहां पर वाल्टर वीरा अपने शुरुआती 2 डेज में वर्ल्ड वाइड पर 80 करोड़ का एक तगड़ा कलेक्शन लाई है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का थर्ड डे पे भी काफ़ी अच्छा होल्ड पर है और ये फिल्म एक अच्छे से ग्रोथ पे कलेक्शन दे रही है। और ऐसे करके टोटल 3 डेज पे वाल्टर वीरा 90 से 100 करोड़ का क्लब पे अपने नाम लिखाए गए। तो सो वाल्टर वीरा आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट, सुपर हिट या फिर होगा ब्लॉकबस्टर, कमेंट पे बताइए। अभी बात करूँ वीरा सिम्हा रेड्डी को लेकर, ये रहा तेलुगु का एक्शन फिल्म जहाँ पर नंदमुरी बालकृष्णा जी का डबल रोल नजर आई है। और इतने दोस्तों, जहाँ पर इस फिल्म को भी क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इस फिल्म का इमोशनल सीन ऑडियंस को किया है टच। और अगर फिल्म का कलेक्शन की बात करूँ तो जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरा सिम्हा रेड्डी का बजट रखा गई है 70 करोड़ और ये फिल्म अपनी शुरुआती 3 डेज में तेलुगु से कलेक्शन किया है 70 करोड़ का तगड़ा कलेक्शन। दूसरी तरफ निजाम एरिया से 9 करोड़ 80 लाख, गुंटूर एरिया से 4 करोड़ 24 लाख, नेलोर से 1 करोड़ 62 लाख। और अगर तेलुगु को छोड़कर दूसरे स्टेट की बात करूँ तो जहाँ पर कर्नाटका और रेस्ट ऑफ इंडिया से 3 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन लाई है। और इंडिया को छोड़कर वीरा सिम्हा रेड्डी ओवरसीज पर दिया है 4 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन। और बता दोस्तों, जहाँ पर फिल्म पे बालकृष्ण जी को छोड़कर फिल्म का एक्शन लेवल और गाना रहा काफ़ी इम्प्रेसिव। और अगर बात करूँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को लेकर तो टोटल 3 डेज पे वीरा सिम्हा रेड्डी वर्ल्ड वाइड पर 84 का कलेक्शन दिया है। और 4th डे पे संक्रांति के मौके पर कलेक्शन किया है ग्रो। बता दोस्तों, टोटल 4 डेज पे वीरा सिम्हा रेड्डी लगभग 90 से 100 करोड़ का क्लब पे अपने नाम लिखाएंगे। यानी कि देखा जाए तो वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्टर वीरा दोनों फिल्म के बीच में ही बराबर टक्कर हो रही है और दोनों फिल्म का कलेक्शन गैप ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, वाल्टर वीरा वर्सेज वीरा सिम्हा रेड्डी कौन सी फिल्म करेगा बाजीमात, कमेंट में बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मरीशा जैन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।